लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इमाम हसन एक और बात बयान फरमाते हैं कि मस्जिद बस्ती में हो और बस्ती के लोग मस्जिद को वीरान करें, आबाद न करें, तो वो मस्जिद उस आबादी में अजनबी की तरह है। जैसे अजनबी लोगों का मुंह तकता रहता ना टिकटिकी बांध के, हाय आज मेरा कोई पुरसान हाल नहीं, वैसे मस्जिदें मायूस होती हैं, मस्जिदें गमगीन होती हैं। किस बुनियाद पर कि उसको आबाद नहीं किया जाता। कितना अफसोस है उस कौम पर जिस कौम के रसूल ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आज उस कौम को ताश के पत्तों के लिए फुर्सत है, आज उस कौम को व्हाट्सएप पर मैसेजेस चेक करने के लिए फुर्सत है, आज उस कौम को फेसबुक पर कई कई घंटे बैठने के लिए फुर्सत है, आज उस कौम को फिल्में देखने के लिए फुर्सत है। और अगर फुर्सत नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। अगर देख सकते हो तो अपने दाहिनी तरफ देख लो, इस कब्रिस्तान के अंदर वो लोग भी सो रहे हैं जिनके कई कई सौ लूम चलते हैं, इस कब्रिस्तान में वो भी सो रहे हैं जिनकी कई कई साइजिंगें चलती है, इस कब्रिस्तान में वो भी सो रहे हैं जिन्होंने कई कई बरस तक के सियासत की है इसी शहर के अंदर, इस कब्रिस्तान में वो भी सो रहे हैं जो मस्जिदों को आबाद नहीं करते थे, वीरान करते थे, आबाद करने वाले भी सो रहे हैं और मस्जिदों को बर्बाद करने वाले और वीरान करने वाले भी सो रहे हैं, अल्लाह के फरामीन को सराखों पे रखने वाले भी सो रहे हैं और अल्लाह के फरामीन को पीठ के पीछे डालने वाले भी सो रहे हैं। देखो कब्रें सब यकसां लगती है, सन्नाटा लगता है, सुकून लगता है, ऊपर से इत्मीनान लगता है, लेकिन अल्लाह ने अगर तुम्हें आंखें दी है इबरत की आंखें तो उसमें झांक के देखना कि कुछ कब्रें ऐसी होगी जिसमें अंगारे सुलग रहे होंगे, कुछ कब्रें ऐसी होगी जिसमें आग भर दी गई होगी, कुछ कब्रें ऐसी होगी जिसमें वजूद सूअर की तरह बन गए होंगे, कुछ वजूद ऐसे होंगे जो कुत्ते की तरह बन गए होंगे, कुछ वजूद ऐसे होंगे जिनके चेहरे किबले की तरह फिर गए होंगे और वो अल्लाह से रो रो कर तमन्नाएं करते होंगे, मौला सिर्फ एक मर्तबा दो मिनट के लिए दुनिया में जाने दे दे, सिर्फ दो मिनट के लिए, ताकि तेरी बारगाह में जाकर चार सजदे कर लूं और तुझे मना लूं। लेकिन कुदरत की तरफ से जवाब मिल रहा होता है, बंदे जब मैंने तुझे मोहलत दी थी तू दुनिया के खेल में मसरूफ था, तू दुनिया के गोरख धंधों में मसरूफ था, तू दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ था, लोगों इबरत की निगाह से इस शहर खामोशा को देखो, बार बार आते हो, रोज आते हो, हर बार आते हो, क्या सीख कर जाते हो? किसी मुकर्रर की तकरीर तुम्हें उतनी इबरत नहीं दिला सकती जो एक कब्र की आवाज तुम्हें इबरत दिला सकती है। आओ ना, जिंदगियों को बर्बाद न करो, जिंदगियों को वीरान न करो। क्या जाता है 10 मिनट मस्जिद में आने में, क्या जाता है 4 रकअत पढ़ लेने में, क्या जाता है थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए निकाल लेने में? जिस अल्लाह ने पूरी जिंदगी हमें सौंपी है, पूरी जिंदगी अता की है, उस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने का वक्त नहीं। सुन लो, नमाज को छोड़कर कयामत में इधर उधर फिरते रहोगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा, क्योंकि कयामत में एक ही दर है, एक दर, वो है दरे मुस्तफा, बस एक ही चौखट है। चौखट से मुराद ये बनी हुई चौखट नहीं, यानी उनका आसरा है, उनका दरबार है। कयामत में सिर्फ एक आ एक जात है, वहां सुन ली गई आपका बेड़ा पार, और अगर वहां नहीं सुनी गई अल्लाह भी अमान नहीं देगा। मेरे इमाम कहते बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जिन्हें दरे मुस्तफा पे अमान ना मिले उसे कभी अमान नहीं मिलेगी। और सुन लो, दिल के कानों से सुन लो, इस मस्जिद में पहली बार जुमा पढ़ने के लिए हम सब जमा हुए हैं, मस्जिद आफ्ताब रिसालत में पहली जुमा है, और अल्लाह करे ये इनकलाबी जुमा हो, हमारी जिंदगी में तब्दीली का जुमा हो। इसलिए कि आज का दिन खूबसूरत इसलिए भी है कि सबसे पहली नमाज 5 वक्ता की फर्जियत की हैसियत से 27 रजब ही को पढ़ी गई थी,
क्योंकि शबे मेराज नमाज का तोहफा लाया गया और आने के बाद पहली नमाज जोहर की शक्ल में ऐलान के साथ पढ़ी गई कि चलो नमाज फ़र्ज हुई है, नमाज पढ़ लो। और ये जो पहली जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, उस दिन जो पहली पांच वक्त की नमाज पढ़ी गई उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद ज़मीन पर आए थे अल्लाह के रसूल के साथ नमाज अदा करने के लिए। आज से अहद नहीं कर लेते कि आज 27वीं रजब है और आज से हम भी इंशाअल्लाह पांच वक्त की नमाज शुरू कर देंगे। शादी होगी तो भी नमाज होगी, मैयत होगी तो भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, सर्दी होगी, गर्मी होगी, बारिश होगी, कोई मौसम होगा, नमाज नहीं छूटेगी। जब जब आप नमाज पढ़ते रहेंगे तो यादगार होगी। पहली आफ्ताब रिसालत में जुमा पढ़ने गया था, कोई फकीर ने चीखा था और मैंने अहद किया था कि आज से मैं नमाज पढ़ूंगा, तो आपकी यादें ताज़ा होती रहेगी। मैं अर्ज कर रहा था कयामत में एक ही दर है, हुजूर ने अमान दे दी, अमान मिल गई, उन्होंने ना दी तो ना मिली। अब हुजूर क्या कहते हैं? मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूं। क्या फरमाया? मैं उससे बेजार। कोई बाप कहते मैं मेरे बेटे से बेजार हूं, बोलो बाप कह दे बेटे से बेजार हूं, कोई उसको कर्जा देगा? कोई उसके साथ लेन देन करेगा? कोई उसके साथ लेन देन करेगा? नहीं करेगा। अरे इसका बाप इससे नाराज है, जिम्मेदार कौन है? इसका बाप इससे नाखुश है, जिम्मेदार कौन है? इसलिए लोगों अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिसने नमाज छोड़ दी मैं उससे बेजार हूं, और जिससे हुजूर बेजार हैं फिर अल्लाह उससे राजी कब होगा? इसलिए तौबा कर लो, तौबा का वक्त है, पलट आओ, आज ही अहद कर लो। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी जिंदगियां जाय हो रही है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। तो मेरे अजीज आज इस मुकद्दस सात सईद के मौके पर, इस मुबारक मौके पर, खुशी के मौके पर, इस तारीखी दिन में अपने अल्लाह से इरादा कर लो कि अल्लाह आज के बाद अब मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये मत सोचना कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। कल किसी की ज़िंदगी में कभी नहीं आता, कल पे मत डालो, आज से, अभी से, इसी वक्त से इरादा करो। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ ली जाए, कब्र में कोई नहीं आने वाला। कमेंट शेयर जरूर करिए।